हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने पीयूष ग्रंथि और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था, उसके कौन कौन से हार्मोन्स हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारी डिस्कशन ने लास्ट क्लास में देख ली थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका थायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये थायरॉयड ग्रंथि जो है ये एच शेप में होती है। किस शेप में होती है? एच शेप में। ये कहाँ होती है? गले में, जो आपका वोकल कॉर्ड्स होते हैं, स्वर यंत्र, जो लेरिंग्स होता है उसके पास में होती है। और किस शेप में होती है? एच शेप में होती है। और इसमें दो लॉब्स होते हैं। कितने लॉब्स होते हैं? दो लॉब्स। और दो लॉब्स जो होते हैं वो स्थमस के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और थायरॉयड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो वो होगी यकृत, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो वो हो जाएगी आपकी थायराइड ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि। और ये एकमात्र अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपनी हार्मोन को क्या करती है? स्टोर करके रखती है। लगभग 2 महीने तक क्या करती है? स्टोर करके रख सकती है, संग्रहित करके रख सकती है। थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके अंदर दो प्रकार की पुटिकाएँ होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं जिनसे हार्मोन का स्रवण होता है। एक होती हैं थायरॉयड पुटिकाएँ होती हैं, ठीक है, और दूसरी होती हैं सी सेल्स होती हैं, थायरॉयड वेसिकल्स एंड सी सेल्स। थायरॉयड पुटिकाओं से दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं जिनको कॉमनली हम कहते हैं थायरॉयड हार्मोन। एक होते हैं T3 हार्मोन, दूसरे होते हैं T4 हार्मोन। T3 हार्मोन जो होते हैं इनको कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन, जो कि 20% भाग बनाते हैं थायरॉयड का। और T4 हार्मोन जिनको कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जो कि 80% पार्ट बनाते हैं थायरॉयड हार्मोन का। और इन T4 हार्मोन को ही हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरॉयड ग्रंथि में थायरॉयड पुटिकाओं से दो हार्मोन निकलते हैं, T3 और T4, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा होता है? T4 जो होता है उसकी मात्रा जो होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जिसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। दूसरी जो सी सेल्स होती हैं उनसे जो हार्मोन निकलता है वो होता है थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको कैल्सिटोनिन भी कहा जाता है। ये क्या करता है? ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम की जो मात्रा होता है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसका नियमन करता है। शरीर में कैल्शियम की मात्रा का नियमन कौन करता है? थायरोकैल्सिटोनिन। अब आगे बात करें एक एक करके कि ये जो थायरॉयड हार्मोन हैं उनकी क्या क्या काम है। तो थायरॉयड हार्मोन में T3 और T4 दोनों हार्मोन के कार्य आ गए। तो ये हार्मोन क्या करते हैं? हमारी जो मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनको क्या करते हैं? उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, तथा हमारे शरीर की वृद्धि में विकास को भी क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करने का काम किनका है? थायरॉयड हार्मोन का। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के तापमान को, हमारी हार्ट बीट यानी शरीर की धड़कन जो होती है हृदय की, उसको भी रेगुलेट करने का काम, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायरॉयड हार्मोन करता है। उसके अलावा जो वृद्धि अवस्था होती है, जो ग्रोथ होती है हमारी, तब भी ये हार्मोन हमारी मेंटल डेवलपमेंट को भी क्या करता है? बढ़ाता है, मेंटल डेवलपमेंट को भी प्रेरित करता है। साथ में ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये मेटामोरफोसिस जो होता है, कायांतरण, कायांतरण का मतलब ये होता है कि लार्वा अवस्था वयस्क में बदलती है। लार्वा अवस्था किस में बदलती है? वयस्क में, उसको कहते हैं कायांतरण। और कायांतरण में ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको T4 या थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। और जो मेढक का लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, ठीक है ना, इसका कायांतरण जो होता है इसी हार्मोन की बदौलत होता है, ठीक है ना, इसी की हेल्प से होता है। तो मेढक का टेडपोल लार्वा वयस्क में कन्वर्ट होता है कौन से हार्मोन की वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। अब थायरॉयड हार्मोन जो होगा, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाए, इसका अतिस्रवण होने लग जाए, तब क्या होगा? तो थायरॉयड हार्मोन जो होता है इसके अतिस्रवण से कुछ रोग होते हैं, इसको हम हाइपर थायरॉयडिज्म भी कहते हैं। इसी को हम पेरी का रोग, बेसडाउ का रोग, एक्सोप्थाल्मिक गॉइटर या घेंघा भी इसको कहा जाता है। तो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या क्या कंडीशन होती है? तो थायरॉयड हार्मोन की क्या हो जाएगी? अधिकता। उपापचयी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये क्या कर रहा है? उपापचयी क्रियाओं को
रेगुलेट कर रहा है, तो इसकी अधिकता से उपापचय क्रियाएं तीव्र हो जाती है, साथ में भूख प्यास ज़्यादा लगती है, पसीना ज़्यादा मात्रा में आता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और हमारी जो आईज होते हैं, आई बोल होते हैं, उसके पीछे लिक्विड जमा हो जाता है और आई की आईज के पीछे, नेत्र के पीछे तरल पदार्थ जमता है, तो नेत्र क्या होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं और बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं, उभरे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर की ओर नेत्र उभरे दिखाई देते हैं, जिसको पेरी का रोग या बेस्टाउ का रोग भी या एक्सोथर्मिक गॉइटर भी कहते हैं, उसमें साथ में हमारी थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, सूज जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सूज जाती है, यानी गले का पार्ट सूज जाता है, इसलिए इसको घेंघा भी कहा गया है, एक्सोथैल्मिक घेंघा भी कहते हैं इसको। इसके अलावा इसकी हाइपर थायरॉयडिज्म से प्लूमर का रोग होता है, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि में ट्यूमर बन जाता है, क्या बन जाता है, ट्यूमर, गांठें बन जाती है छोटी छोटी, जिससे थायराइड हार्मोन क्या हो जाते हैं, अधिक मात्रा में सिक्रेट होते हैं, अतिस्रवण होता है और ये भी हाइपर थायरॉयडिज्म का ही एक परिणाम है। दूसरा है, अगर थायराइड हार्मोन कम मात्रा में स्रवित हो तो क्या होगा, तो इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, क्या कहेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके कारण जो रोग होते हैं उसमें एक है क्रिटिनिज्म, जिसको जड़ मानवता कहते हैं, और बच्चों में होता है ये थायराइड हार्मोन की कमी से, मेंटली डेवलपमेंट बराबर नहीं होता है, बच्चे मंदबुद्धि के रह जाते हैं, सोच समझ जो होती है अपने आयु स्तर से बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा गुल्स डिजीज होता है, गुल का रोग, इस ये कब होता है, एडल्ट में होता है, ये तो बच्चों की बात थी क्रिटिनिज्म जो था, अभी एडल्ट जो होता है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर के वजन में बड़ी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि उपापचय क्रियाएं बराबर नहीं हो पाती हैं, शरीर का वजन बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, मोटे हो जाते हैं, हार्ट बीट कम हो जाती है, मोटापे से क्या हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है, ये सब लक्षण गुल के रोग में होते हैं, गुल स्टेसिस में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी कमी से और कौन कौन से रोग होते हैं, तो एक होता है साधारण घेंगा, जिसको हम गॉइटर भी कहते हैं, गलगंड भी कहा जाता है, और भोजन में आयोडीन की कमी से होता है रोग, किसकी कमी से होता है, कौन से तत्व की वजह से, आयोडीन की कमी से होता है, और खास करके ये एंडमिक होता है, क्षेत्र विशेष में पाया जाता है, कौन से क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो होते हैं, खासकर बच्चों में, कौन से तत्व की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, कौन सा रोग, घेंगा या गॉइटर रोग होता है। इसके अलावा एक रोग है हाशिमोटो का रोग, इसको स्टार लगा लीजिएगा, हाशिमोटो का रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एंटी इम्यून डिजीज माना जाता है, स्व प्रतिरक्षा रोग, इसमें क्या होता है, इसको थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होता है इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, और जब इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में इस थायराइड ग्रंथि के विरुद्ध कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, इसी थायराइड ग्रंथि को ही नष्ट कर देती हैं, तो थायराइड हार्मोन की कमी से कुछ एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो थायराइड ग्रंथि को क्या कर देंगी, नष्ट कर देती हैं, इसलिए इसको कहते हैं थायराइड की आत्महत्या, क्या कहा जाता है इसको, थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन बचा आपका, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जिसको TCH भी कहते हैं, इसी को कैल्सिटोनिन हार्मोन भी कहते हैं, और मैंने कहा था ये रक्त के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है, इसकी संख्या में कमी लाता है। अब ये जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एक तो पाया जाता है बोन्स में, हड्डियों को मजबूती देता है ये, ब्लड के अंदर, ब्लड कोटिंग में, रक्त का थक्का जमाता है जब चोट लगती है तब, और तीसरा पेशियों में, पेशियों में जो गति होती है वो संकुचन और शिथिलन के द्वारा होती है, तो पेशियों को गतिशीलता देने के लिए, संकुचन और शिथिलन के लिए भी कौन सा आयन आवश्यक है, कैल्शियम, तो ये कैल्शियम जो होता है, ठीक है, अगर हमारे रक्त में, हमारे रक्त में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, ये क्या करता है, रक्त से इस कैल्शियम को कहाँ ले जाता है, बोन्स में ले जाता है, किस में ले जाता है, बोन्स में, और बोन्स के अंदर, अस्थियों के अंदर जब कैल्शियम बढ़ेगा तो अस्थियाँ क्या होती हैं, मजबूत होती हैं, क्या होती हैं, मजबूत, तो ये हार्मोन क्या करता है, अस्थियों को मजबूत करता है। और एक और हार्मोन पढ़ेंगे हम, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है, जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन, जब अस्थियों के अंदर कैल्शियम बढ़ जाता है तब ये पैराथार्मोन हार्मोन क्या करता है, इस कैल्शियम को कहाँ ले जाता है, ब्लड में ले जाता है, किस में ले जाता है, ब्लड में, और एक तरीके से क्या काम करता है, ब्लड कोटिंग में मदद करता है, कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन, तो पैराथार्मोन हार्मोन और एक है थायरोकैल्सिटोनिन, दोनों के जो काम है वो कैसे हैं, अपोजिट हैं, एक रक्त से अस्थियों में ले जा रहा है कैल्शियम को, तो एक अस्थियों से रक्त में ले जा रहा है किसको, कैल्शियम को,
ठीक है, तो जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी वहाँ से वो क्या होगा, दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि एक और ग्रंथि आ रही है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड जो ग्रंथि है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। ये जो ग्रंथियाँ हैं ये संख्या में 4 से 6 होती हैं, और मैंने बताया कि ये जो थायरॉयड ग्रंथि है वो एच शेप में होती है, ठीक है ना। तो इस एच शेप के ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पर छोटी छोटी मटर के दाने के आकार की, मक्के के दाने के आकार की थायरॉयड ग्रंथि की सतह पर पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? पैराथायरॉयड। कितनी होती है? 4 से 6 होती है। और इससे जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं पैराथार्मोन हार्मोन, इसी को कॉलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन आ चुका है कॉलिप का हार्मोन किसे कहते हैं? पैराथार्मोन को कहते हैं। और ये क्या करेगा? मैंने अभी बताया कि हड्डियों में जो ज़्यादा कैल्शियम हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाता है? ये ब्लड में ले जाता है, और ब्लड में कैल्शियम क्या करता है? ब्लड कोटिंग करता है, रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। तो अब ये पैराथार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा? तो इसकी अधिकता से हड्डियों में कैल्शियम की क्या हो जाएगी? कमी होगी। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों से कहाँ जा रहा है कैल्शियम? ब्लड में। तो हड्डियों में कमी होगी, रक्त में कैल्शियम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अस्थियों में कैल्शियम की कमी होगी तो हड्डियाँ जो होती हैं उसमें छेद होने लगते हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, और इसको ऑस्टियोपोरोसिस या अस्थि शुष्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि शुष्रता, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं, छेद होने लगते हैं। कौन से हार्मोन की अधिकता से होता है? पैराथार्मोन हार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। अब इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसकी कमी से हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि अधिकता से तो क्या हो रहा था? रक्त में कैल्शियम बढ़ रहा था, कमी से रक्त में कैल्शियम कम हो जाएगा। रक्त में कैल्शियम कम होगा तो रक्त का थक्का बनेगा क्या? नहीं बनेगा, प्रभावित होगा। और साथ ही हमारी पेशियों में भी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो पेशियां जो गति कर रही हैं, है ना, संकुचन शिथिलन हो रहा है, वो भी प्रभावित होता है। तो पेशियों को कैल्शियम नहीं मिलता है तो इनका संकुचन और इसकी गतिशीलता भी प्रभावित होती है। इसको टिटेनी रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? टिटेनी। इसको कैल्शियम टिटेनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे गतिशीलता में दिक्कत होती है। टिटनेस वगैरह का इंजेक्शन भी लगाया जाता है, आपने सुना होगा, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपकी पीनियल ग्रंथि। पीनियल जो ग्रंथि होती है ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क के अपर पार्ट में, जिसको एपीथैलेमस कहते हैं, उससे जुड़ी हुई होती है। इस ग्रंथि से दो हार्मोन इंपॉर्टेंट निकलते हैं, मेलाटोनिन और दूसरा है सेरेटोनिन। मेलाटोनिन और सेरेटोनिन। मेलाटोनिन जो होता है एक फोटोसेंसिटिव हार्मोन होता है, प्रकाश संवेदी हार्मोन है, जिसको कि स्लीप हार्मोन या निंद्रा हार्मोन भी कहते हैं। और ये हमारी शरीर में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को कंट्रोल करता है, जैविक घड़ी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। कौन सी ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। ये क्वेश्चन बहुत से कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है कि बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। क्यों? क्योंकि हमारे दैनिक जो क्रियाकलाप होते हैं, दैनिक जो लयबद्धता होती है, उसको कंट्रोल करता है, तथा हमारे जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण लड़कों में लड़कियों में जो 14 साल की एज के बाद आते हैं, उनके विकास को क्या करता है? रोकता है। क्या करता है? उनको रोकता है। कब तक रोकता है? किशोरावस्था आने तक रोकता है, यानी समय पूर्व किशोरावस्था, ठीक है ना, उसको आने से क्या करेगा? ये रोकेगा। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन हार्मोन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, क्योंकि समय से पहले ये किशोरावस्था को आने से क्या करेगा? रोकने का कार्य करता है। इसके अलावा हम देखें सेरेटोनिन हार्मोन जो है, ये भी मस्तिष्क के दूसरे भागों से निकलता है, ठीक है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका जो होती है वो क्या करती है? सूचनाओं को सिग्नल के रूप में भेजती है ना। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक सिनेप्स से होकर के सूचना भेजी जाती है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, सूचनाओं को आवेगों के रूप में भेजते हैं। नेक्स्ट जो ग्रंथि आ रही है वो है आपकी थाइमस ग्लैंड। कौन सी आ रही है? थाइमस ग्लैंड। इसको बाल्यावस्था ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में ज़्यादा एक्टिव होती है ये, 12 से 14 वर्ष की उम्र तक ये सक्रिय रहती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये ग्रंथि बच्चों में बड़ी होती है, बड़ों में धीरे धीरे छोटी होती जाती है ना। तो ये छोटे बच्चों में या 12 से 14 वर्ष तक ही हार्मोन का स्रवण
करती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो होता है थाइमोसिन हार्मोन, जो कि हमारी शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करता है। कौन सा तंत्र विकसित करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को, मतलब हमारी WBC जो होती है उसके निर्माण में, उसके कार्यों के विभेदन में, और हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है जिससे हमारा शरीर रोगों के प्रति लड़ सके। तो थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती है? मजबूत करती रहती है। और जब वयस्क अवस्था में ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी तब इसके अंदर कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं जिनको कहते हैं हैसल्स कणिकाएं या हैसल्स काप्सल्स होती हैं, जो कि एक मैक्रोफेज की तरह क्या करती हैं? एंटीजन या जो रोगाणु होते हैं उनका क्या करती है? भक्षण करती है, इनको खा जाती है, इनको फेगोसाइटिस के द्वारा नष्ट कर देती है, इनका भक्षण कर देती है। अब नेक्स्ट जो ग्रंथि है लास्ट, वो है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है ना। एड्रिनल ग्रंथि, इसी को अधिवृक्क ग्रंथि या सुप्रा रिनल ग्लैंड भी कहते हैं इसको, और इसी को एपिनेफ्रिक ग्लैंड भी कहा जाता है। एड्रिनल या अधिवृक्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वृक्क जो होता है, किडनी जो होती है आपकी, ठीक है ना, किडनी इस टाइप से होती है, दो किडनीज होती हैं, इनके ऊपर जो ग्लैंड होती है उसको कहते हैं अधिवृक्क, क्योंकि वृक्क के ऊपर होती है, मतलब दो किडनीज होती हैं, कितनी होती हैं? दो किडनीज, तो दोनों किडनीज के ऊपर दो अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो कितनी होती हैं संख्या में? दो होती हैं, और इन्हें 3F ग्लैंड भी कहा जाता है और 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 3F क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, आपातकालीन परिस्थितियां, करो या मरो वाली कंडीशन, ठीक है ना, इसको करो या मरो ग्रंथि भी कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं इसको, ये तब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, उसके साथ मिलकर के एक्शन जो होती है उसके अपोजिट रिएक्शन देने के लिए क्या करती है? तैयार रहती है, ठीक है, बॉडी को क्या करती है? तैयार करती है। तो 3F कौन से हैं? तो फ्लाइट है, फ्लाइट मतलब जब पलायन करने की कंडीशन आ जाए, भागने की कंडीशन आ जाए। एक दूसरा F है फियर, यानी भय के समय, डर के समय, तनाव के समय। और तीसरा है फ्लाइट, यानी जब हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना, तब उस अवस्था में भी ये ग्रंथि एक्टिव होती है। इसको फॉरेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इससे चार काम होते हैं। एक तो होता है साल्ट रिटेंशन करता है, लवण धारण करता है। दूसरा शुगर मेटाबॉलिज्म करता है, यानी शर्करा की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। तीसरा सेक्स हार्मोन्स से रिलेटेड काम है, यानी सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? सिक्रेशन करता है, लिंग हार्मोन का स्रवण करता है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है, स्ट्रेस हार्मोन भी इससे रिलीज होते हैं, यानी दबाव का प्रबंधन करता है, हमारे मेंटल जो दबाव होता है, प्रेशर होता है, उसको भी कंट्रोल करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी है तब हमारे लिए ये, ठीक है ना, जब हमारी बॉडी पर क्या हो जाए, माइंड पर प्रेशर होता। अब एड्रिनल ग्रंथि जो होती है उसके दो पार्ट होते हैं। बाहरी भाग जो होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, है ना, आंतरिक भाग जो होता है उसको कहते हैं मेड्यूला। कॉर्टेक्स से तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, तो मिनरल कोर्टिकोइड, दूसरा है ग्लूकोकोर्टिकोइड, तीसरा है गोनेडोकोर्टिकोइड। मिनरल कोर्टिकोइड मिनरल्स को कंट्रोल करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, गोनेड्स को कंट्रोल करने वाला गोनेडोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। अब मिनरल कोर्टिकोइड की बात करें, जिसमें एक हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जो है ये हमारी ब्लड के अंदर सोडियम आयन की मात्रा को बढ़ाता है। सोडियम आयन की मात्रा को क्या कर रहा है? बढ़ाता है। सोडियम क्या है? मिनरल है, है ना, तो ये मिनरल कोर्टिकोइड। और साथ में पोटेशियम आयन जो होता है उसके एक्सक्रीशन को, उसके उत्सर्जन को बढ़ा रहा है। तो सोडियम के तो मात्रा को बढ़ा रहा है और पोटेशियम के उत्सर्जन की मात्रा को बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? उसके उत्सर्जन को बढ़ा रहा है। ग्लूकोकोर्टिकोइड की बात करें तो ग्लूकोकोर्टिकोइड में कार्टिसोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्टिसोन है, कार्टिकोस्टेरोन है, और ये ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो होते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। और तीसरा गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन, ये गोनेड्स के अंदर, जो नर के अंदर गोनेड्स होते हैं और मादा के अंदर जो गोनेड्स होते हैं, यानी युग्मक होते हैं, उनके निर्माण को प्रेरित करता है। तो नर के अंदर इनको एंड्रोजन कहा जाता है, मादा के अंदर इनको एस्ट्रोजन कहा जाता है। इसके अलावा जो मेड्यूला होता है उससे भी दो हार्मोन निकलते हैं, तो एड्रिनालिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और दूसरा है नॉर एड्रिनालिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। तो ये एड्रिनालिन ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं। अब उनके कार्य हम देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से कार्य संपादित होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन पहला है। एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेशर को,
मूत्र निर्माण की क्रिया को, ठीक है ना, यूरिन फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है उस दोनों को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर और यूरिन फॉर्मेशन को। कार्टिसोल जिसको इम्पोर्टेंट लगवाया था, ये हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। हमारी WBC जो होती है, जो रोगों से लड़ती है, प्रतिरक्षा में मदद करती है, उसकी संख्या में कमी ले आता है। कमी लाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रेस देता है, ये रोग पैदा करता है, ठीक है ना। तीसरा है एड्रीनालीन, इसको आपातकालीन हार्मोन, एमरजेंसी हार्मोन, या करो या मरो हार्मोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि तभी उसी कंडीशन में ये क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। और साथ में नॉर एड्रीनालीन हार्मोन जो होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में हमारी हार्ट बीट को क्या करेगा, बढ़ाता है। और एड्रीनालीन जो होता है आपातकालीन कंडीशन में हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित कुछ रोग हैं इंपॉर्टेंट, वो समझिएगा आप। पहला है एडिसन रोग, ठीक है। एडिसन रोग जो होता है ये मिनरलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड दोनों हार्मोन की कमी से होता है, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम, ये कुशिंग सिंड्रोम जो है ये कार्टिसोल जो होता है उसकी अधिकता से कुशिंग सिंड्रोम होता है, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है उसके अंदर इम्यून पावर कम पड़ जाता है। तीसरा है कॉन्स डिजीज़ या कॉन्स सिंड्रोम, इसको एल्डोस्टिरोनिज्म भी कहते हैं, क्योंकि एल्डोस्टिरोन की मात्रा यहाँ बढ़ जाती है, इसलिए होता है ये। इसके अलावा दो और रोग हैं, एक है एडिनल विरलिज्म, जो कि नर में, मादा के अंदर नर के लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है गायनेकोमेस्टिजिया, जिसमें नर में मादा के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और ये दोनों ही जो रोग हैं वो गोनेडोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन जो होते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, उनमें असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये आज हमने सारी ग्रंथियों के बारे में डिस्कस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।